अनुराग आ जा। मतलब खत्म करेंगे, एक दिक्कत हो रही है जी, एक तो जो पैसे थोड़े कम है जी, थोड़ा पैसे बढ़वाने पड़ेंगे। और चिंता ना कर, ठीक है जी, बाकी तो सब बढ़िया है जी, कोई दिक्कत नहीं। ये मांगे ना भाई गली वालों की, भाई प्लेन बननी चाहिए, फिर तो मार रहे बढ़िया जा। विनोद बेड़ा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज सारी कोई बोलता सोनेहा, किसकी गली का उद्घाटन आज किया गया, किस तरह से किया गया, उनका कितना इसमें खर्चा आएगा, किस तरह बनेगा? ये वार्ड नंबर 4 हमारे पार्षद हैं अजय सैनी जी, इनके वार्ड की गली है और ये काफ़ी पुरानी गली है जो काफ़ी पहले कभी बनी होगी, हालत ठीक नहीं थी, तो बार बार ये कह रहे थे कि ये गली बनवानी है, तो इसके लिए हमने डी प्लान में से इस गली के लिए करीब 10 लाख रुपया डी प्लान में से दिलवाने का काम किया था, जिसका आज विधिवत रूप से नारियल फोड़ के उद्घाटन किया गया है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। ये लगभग बताया 10 लाख रुपए की लागत से ये बनेगी और बाकी छोटी मोटी कोई और आगे जरूरत होगी तो वो भी पैसे दिलवा दिए जाएंगे। तो ये 10 लाख में बन के, इसमें विशेष जो इनकी डिमांड आई है कि यहाँ नालियाँ बंद कर दी जाएँ, तो इनकी डिमांड के हिसाब से प्रधान जी को भी कह दिया और हमारे पार्षद जी को भी कह दिया कि नालियाँ बंद करवा के सीधी गली को बनवाने का। और आज कौन कौन सी जो गलियों के उद्घाटन आपके द्वारा आज है? अभी इसके बाद 14 वार्ड में जाएंगे, वहाँ हमारे धर्मवीर मजोक्का हैं जो पार्षद हैं, उनकी एक गली का उद्घाटन। सर एक सब्जी मंडी रोड कह रहे थे एक हफ्ते के अंदर बन जाएगा वो, उसका टेंडर खुल गया, वर्क अलॉट होने की प्रक्रिया 1-2 दिन में 4 दिन में हो जाएगी, मगर मेरी ठेकेदार से बात हुई है, वो कह रहा है जी मैं होली से पहले शुरू नहीं कर पाऊँगा, और हमारे ये वैम भी माना जाता है कि होली के दिन में कोई काम करते नहीं, तो जैसे ही होली का त्यौहार आ जाएगा उसके बाद वो जल्दी उस सड़क को भी, और एक पुराना अड्डा से नए अड्डे की तरफ जो सड़क जा रही है उस सड़क की भी हालत बहुत ख़राब है, उसको भी हम शुरू करवा देंगे होली के बाद। सर स्ट्रीट लाइट की समस्या है, स्ट्रीट लाइट का क्या बोल रहा था, लेकिन उनकी मीटिंग होगी लेट आएगी, उसका टेंडर खुल गया मेरे ख्याल में, आजकल में ऑर्डर हो जाएगा, आज ऑर्डर हो जाएंगे, जैसे ही आज ऑर्डर हो जाएंगे उसके बाद सुचारू रूप से काम चल जाएगा। बताया है ना जी टेंडर नहीं हो रहा था, अब टेंडर हो गया, टेंडर खुल भी गया, आज उसको वर्क अलॉट करके, ये थोड़ा सा बीच में इलेक्शन आ गया ना, इलेक्शन की वजह से काफ़ी काम रुक गए, अब दोबारा ये गति से काम चल पड़ेंगे, आपकी लाइटें वगैरह का भी काम ठीक हो जाएगा, सड़कें वगैरह भी सारी बननी चालू हो जाएंगी, हमने 35-40 कितनी सड़कों के 32-33 सड़कों के टेंडर और लगा दिए, उनकी भी प्रक्रिया चालू है, जल्दी वो भी खुल के, और जिसको भी काम मिलेगा वो ठेकेदार अपना अपना काम करेंगे, आने वाले समय में सारे का सारा काम बहुत बढ़िया ढंग से चलेगा। विनोद बिहारा जिंदाबाद, करवा दो यार, कैसे हो गया तो दिया जी, आप रुमाल दे ना, किसको आपने फोन किया उसको दे जाओ, तो मैंने फोन देना थोड़ी है।